आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पूनम को भी करना, वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं करता है, चैनल पे करता है सब्सक्राइब। चैनल पे सब्सक्राइब करना। बोलो तो शुरू करने से पहले पक्का लाइक करना, और अब शुरू करते हैं क्या बोलूं? वीडियो। अब शुरू करने से पहले आपको पक्का लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने अपने जब लाइक सब्सक्राइब कर ही लिया तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ बोलो। पहले क्या बोलूं? वेलकम। आज दीदी ने एक नया वीडियो लगाया, उस पर रिएक्शन लगाएंगे करेंगे। मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं, तो हम दोनों साथ में पहली बार देखेंगे, पहली बार। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अब चलते हैं। ऐसे कुछ कर बोलना। तो उसको तो अच्छा बोल, तो नहीं बोल सकता। हाय राधे राधे, मैं आज पोनम का वीडियो पर एक्शन करने वाली हूँ। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, मिलके साथ देखते हैं। और आप मेरे को सब्सक्राइब करना, पोनम को भी करना, देखते हैं कैसा वीडियो है। और आप बने रहिए। क्या लुक लग रही है, नजर लग जाएगी किसी को। राधे रानी रक्षा हेलो करे। एवरीवन, नमस्ते। आई वॉच बैक टू माई नमस्ते। चैनल। वहाँ पर पीछे वो दो लौंडे क्या कर रहे हैं? एनीवे गाइस, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज मैं और आप और हम जाने वाले हैं एक साथ मेरी शूटिंग डे पर। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे पास KBS का फोन आया था, जो कि यहाँ का कोरिया का आई थिंक सबसे बड़ा टीवी शो है, और उन्होंने मुझे एक टीवी शो पर इन्वाइट करा, और उसके लिए मैं बहुत चलो राधे रानी आपकी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि करें, मैंने माते टीवी श्री एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे करे, मॉडलिंग भी करी है, लेकिन मैंने कभी भी एक टीवी शो पर जाकर कोरियन में 1-2 घंटे के लिए कभी भी बात नहीं करी है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत घबराहट सी हो रही है। बाय द वे गाइस, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अजीब सी एलर्जी हो गई है, और मेरे यहाँ खाने पे पीने का ध्यान नहीं माथे पे रखती है कुछ ना। अजीब गरीब से पिंपल आ रखे हैं, तो जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है ना, जैसे कि शूटिंग, मॉडलिंग, तभी मेरा थोबड़ा खराब हो जाता है। एनीवे गाइस, अभी मैं नेल शॉप जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हाँ, नेल कुछ आ रहा पेंट है करवाने इधर। हैं। ये रहा वो नेल शॉप, और अभी हम यहाँ पर जाके कुछ सिंपल सी नेल आर्ट बनाते हैं। यहाँ से नहीं, YouTube आ गई सर। ग्रो इसी चैनल दे रहा है। नहीं, आप नहीं ये सिंपल है, जाओ और करा के आ जाओ। काश मैं भी करा पाती। सुना? नहीं। ओ। मैं ये वाला कलर करने वाली हूँ, इसके साथ आप ग्लिटर भी लगा सकते हो। हाँ, ये मशीन है सुखाने की। तदान, फाइनल रिजल्ट। नहीं कितने सुंदर दिख रहे हैं। गाइज, ये रही KBS की बिल्डिंग। मोटरसाइकिल, कौन बनेगा सरस्वती? गाइज, अभी मैं KBS की बिल्डिंग में आ चुकी हूँ, और एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे मेकअप नहीं करना और मेरे बाल भी नहीं बनाना है, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी मैं रूम में जाने वाली हूँ, जहाँ पर मेरे थोबड़े का मेकअप करेंगे और मुझे मस्त मस्त हेयर स्टाइल भी देंगे। तो गाइज, ये रहा रूम जहाँ पर मेकअप करने वाले हैं, अभी अंदर चलते हैं। गाइज, ये रही मेरी स्क्रिप्ट, कितनी लंबी है। मुझे ये सब कुछ मेमोराइज करना है, और उसके बाद में हम शूटिंग करने वाले हैं। मास उतार दिया। पूनम नहीं, पूनम नरू का। ये सही है, फ्री फंडा में मेकअप हो जाता है, नहीं पैसे लगते हैं। हाँ।
됐네. 안녕하세요. 저는 오로나윤 씨라고 유튜브 채널이 있고요. 아, 얘 바라기 스타일 바나이. 캬 큐트 लग रही है. 좋아요. 감사합니다. 수고하셨습니다. Guys, look at my इसका तो चेहरा ही चेंज हो गया. जो मेरे छोटे छोटे बाल ऐसे स्टाइल करे हुए ना, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. प्लीज कमेंट में बताना कि आपको मेरे थोबड़े का मेकअप कैसा लगा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. दिस इज माय आउटफिट फॉर द शूट. सभी मैं जल्दी से ये वाली ड्रेस पहन के आने वाली हूं. गाइस हियर इज माय आउटफिट. लेट मी शो यू. किस पे खैर डाएगी आज ये. सभी कोई फेल कर दिया. हाय इट्स हाय. I hate that one. Wow. So here's the skirt. Mini skirt. Yeah. Cute. 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 Beautiful. कितनी सुंदर लग रही है. उन्नी ओप्पा के साथ एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, उनका टैग भी लगाया था. और जैसे ही मैंने स्टोरी लगाई, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं ना, वो उनको फॉलो करने लग गए अचानक से. तो वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि अरे बाप रे, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि तुमने स्टोरी लगाई है. सो इट्स फनी टू सी देयर रिएक्शंस. नाना, तू हिंदू फॉलोइंग में वास्तव में उरी स्टोरी ओलिशतना. गाइस ये रही वो जगह जहाँ पर हम शूटिंग करने वाले हैं. कितनी बड़ी जगह है, मैं तो घबरा जाऊं भाई. वास्तव में इस लड़की की छाती है. द प्लेस जहाँ पर मैं शूटिंग करने वाली हूँ और मैं वहाँ पर बैठने वाली हूँ और हम सब यहाँ पर बैठ के बातें करने वाले हैं. मुझे बहुत ही चिंता हो रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि मेरा दिल धड़क 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 कर रहा है और मुझे तेरा दिल बहुत बड़ा है. अच्छी तरीके से शूटिंग कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग प्रोफेशनल हैं और ये मेरी पहली बार है कि मैं टीवी पर एक शो कर रही हूँ. प्लीज प्रे फॉर मी, फिंगर क्रॉस्ड. ऐसे करते पानी पानी क्यूट लग रही है भाई, छोटी सी जन 12-13 साल की बच्ची लग रही है. सो गाइस अभी फाइनली हमारा शूट खत्म हो गया है. उन्नी अतके सिंगा कैसा है. 푸남 처음 방송 처음 한 거라고 했잖아요. 네, 그래서 처음이었어요. 맨 처음 들어가기 전에 걱정을 좀 많이 하더라고요. 네, 맞아. 어떻게 해야 될지, 어떻게 네. 누굴 봐야 될지, 네. 카메라 어디 있는지 걱정 많이 하더라고요. 네. 오늘 너무 잘했어요. 네. 말도 이렇게 아닌 척하지 마. 머리 메르고 굳고 있어 마지막에 잘해. 웃어, 오늘 잘했잖아요. 감사합니다. 처음 아닌 줄 알았어 진짜. 어떻게 이래? 어떻게 이럴 수가 있어? नहीं. गाइस अभी यहाँ के शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैंने मेरी शूटिंग भी खत्म कर ली है और मेरे वापस नॉर्मल वाले कपड़े भी पहन लिए. एनीवे गाइस मैं इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे पिकअप करने वाली है और हम वापस घर पर जाने वाले हैं. सो गाइस अभी मैं मेरी ओन्नी के कार में आ गई हूँ और यहाँ पर रहा मंगमंग. सो मंगमंग भी मुझे पिकअप करने आया है और अभी भी मेरा मेकअप काफी अच्छा दिख रहा है. मंगमंग मेरा मेकअप कैसा लग रहा है. लाइफ में पहली बार इतना सुंदर थोबड़ा देखा. सो गाइस वेरी गुड. डाउनटाउन में आ चुकी हूँ. मैंने मेरी हेयर स्टाइल भी चेंज इसलिए करी, जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि मैं घर पर जाते ही मैं नहाने लग गई थी और मेरे बाल सारे खराब हो गए थे. यहाँ पर जो बेसबॉल दिख रहे हैं ना, उसके साथ ये जो लकड़ी है ना, उनको नीचे गिराना है. यू कैन डू इट. वो क्या मिला है. अरे इसको तो एक छोटा सा यो-यो मिला है. ये रहा दूसरा गेम. तो बेसिकली यहाँ पर जो मच्छे हैं ना, उनको पकड़ना है आपको. तो ये सारे बच्चे मच्छी को पकड़ के इस डब्बी के अंदर डाल रहे हैं. पता नहीं बच्चों को क्या मजा आता है इन बेचारी मच्छियों को पकड़ने का. यार वो बेचारी मच्छियों को कितना डर लग रहा होगा. वो बच्चे उनको पकड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, वो पानी से बाहर निकल रही है. क्या आपको पता है यहाँ पर इतनी लंबी लाइन क्यों लग रखी है. सो बेसिकली पीछे इतनी लंबी लाइन इसलिए लग रखी है क्योंकि वहाँ पर जो फ्यूचर वाले कार्ड आते हैं और जो आपकी हाथ की रेखा होती है ना, वो देखते हैं और आपका फ्यूचर बताते हैं. जो कोरियन लोग हैं ना, वो उसमें बहुत ही विश्वास करते हैं. तो उसकी वजह से वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं. यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे ये छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठकर ये छोटे छोटे बच्चे वाले गेम खेल रहे हैं.
गाइस अभी यहाँ पे बहुत रात हो गई है और मेरा गला और भी खराब होने लग गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जल्दी से घर पे चली जाती हूँ, कुछ गरम गरम अच्छा सा खाना खाती हूँ, नहीं तो कल हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अगर आज ऐसी हालत हो रही है तो कल पता नहीं क्या होने वाला है। एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पर और भी गाने सुनूँ, मौज मस्ती करूँ, वहाँ पर कूद कूद के डांस करूँ जैसे कि सारे नौजवान कर रहे थे, लेकिन लगता है कि मेरी उम्र हो गई है और अभी लग रही तो नहीं है, कुछ नहीं हो पाता गाइस। जवानी में मेरा बुढ़ापा आ गया है। घर पे जाने के लिए मुझे बस लेनी पड़ेगी, तो अभी हम बस स्टॉप पर चलते हैं। गाइस बस पर इतने सारे लोग थे कि मैं आपको क्या बताऊं, अंकल जी थे, काफी उम्र में थे, तो मैं मेरी सीट से उठकर मैंने उनको बोला कि आप मेरी सीट पर बैठ जाओ, तो वो मेरी सीट पर बैठे और जोर से चिल्लाने लग गए कि देखो ये फॉरेनर लड़की और इसमें इतने सारे मैनर्स है, कि वो खुद खड़ी हो गई, लेकिन बाकी के नौजवान जो इस बस में बैठे किसकी है दिखी मुझे गाइस। एनीवे गाइस अभी मैं इस कोरियन रेस्टोरेंट में आ चुकी हूं जहां पर बहुत ही यम्मी यम्मी खाना बनाते हैं, तो अभी हम जल्दी से अंदर चलते हैं। लेट्स गो इनसाइड। मोटरसाइकिल अंदर जाने के लिए आपको जूते खोलने पड़ते हैं। किमची चीगे हम आया गाइस, ये रहा मेरा यम्मी यम्मी वाला डिनर, ये रहा किमची चिके, यहाँ पर रहा लाल वाला राइस, ये वाली है अलग अलग साइड डिश। अच्छा जैसे कि आपको पता है पूर्ण स्ट्रगल्स में हमेशा खाना गिराती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये पहनने वाली हूँ। वेरी गुड, यम्मी यम्मी खाना खाते हैं। क्या छोटे बच्चों जैसा पहनती है। डिनर इज डन। कोरियन का खाना अच्छा होता है। जिस रेस्टोरेंट में मैंने डिनर कराया ना, उस रेस्टोरेंट में मैं ऑलमोस्ट डेली जाती हूँ और अलग अलग चीज़ें मेन्यू में चूज करती हूँ, तो उसकी वजह से वो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब वो आंटी जी वो क्या बोलते हैं चेस्टनट जब वो काट रही थी ना, तो मेरे आँखों में थोड़ा आंसू आने वाला था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नानी या मेरी दादी मेरे लिए वो काट रही है और मुझे खिला रही है। सो इवन दो ये ब्लॉग अच्छा है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ टाइम स्पेंड, मोटरसाइकिल मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है ना, तो प्लीज़ गर्म गर्म कपड़े पहनना मेरी तरह, और आई सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय। और तो क्या बोलूं पूनम, तेरी बहुत याद आती है। तो कौन सा वाला डायरी लिख रहा हूं आप दीदी के लिए, जो दीदी देखती है वीडियो। पूनम का वीडियो बहुत अच्छा था, और वो जो भी वीडियो लगाती है एक से बढ़कर एक एक वीडियो उसका बहुत ही अच्छा होता है, जीनियस है ये मान लो आप। तो ये वीडियो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, काश थोड़ा सा लंबा और होता तो मैं उसको वीडियो के जरिए ही देख सकती थी, और उसकी आवाज़ में भी ऐसा लग रहा था क्योंकि बाहर मौसम चेंज हो रहा है, तो भाई सर्दी जुखाम की वजह से अब क्या है भाई सर्दी पड़ने लग गई, तो फिर भी उसने इतनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और मोमो बोला कि हाँ तो पहली बार तेरा चेहरा मेरे को बहुत सुंदर लगा, अब हकीकत में ही बता रही हूँ, उसका मेकअप बहुत ही सुंदर था, हर मेकअप और हर कपड़ा उसके ऊपर सूट करता है, और बहुत ही अच्छा वीडियो था, आप देखना, पूनम को सब्सक्राइब करना, और पूनम बहुत अच्छी है। और मेरा अजय, मैं पूनम के थोड़ा देखा तो थोड़ी ऐसे हो गई थी, तो अजय बोला मम्मी आप तो लो वीडियो देख के रोने लग गए, तो अजय ने मेरे खुश करने के लिए ये मॉइस्चर लेके आया है। अजय भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। हाय राधे राधे।